ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का निधन हो गया। वो 99 साल के थे। द रॉयल फैमिली ने ट्वीट कर इस दुखद खबर की जानकारी दी है। द रॉयल फैमिली ने बयान में कहा कि गहरे दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि महारानी के पति प्रिंस फिलिप ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग का निधन हो गया है। उन्होंने आज सुबह विंडसर कैसल में अंतिम सांस ली। आपको बता दें, प्रिंस फिलिप को हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से हार्ट इन्फेक्शन का इलाज कराने के बाद वो घर लौटे थे। प्रिंस फिलिप का जन्म 10 जून 1921 को कोर्फू के ग्रीक द्वीप पर हुआ था और वो महारानी एलिजाबेथ सेकंड के पति थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रिंस फिलिप के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, द प्रिंस फिलिप के निधन पर मेरे विचार ब्रिटिश लोगों और शाही परिवार के साथ हैं। उनका सैन्य में विशिष्ट करियर था और कई सामुदायिक सेवा पहलों में भी वो सबसे आगे थे। उनकी आत्मा को शांति मिले। आपको बता दें, प्रिंस फिलिप को ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग का सम्मान भी हासिल था। अपनी तबीयत के चलते वो सार्वजनिक समारोह में कम ही दिखते थे। दरअसल ब्रिटेन में कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के दौरान वो लंदन के पश्चिम में स्थित विंडसर कैसल में महारानी के साथ ही रह रहे थे। आपको बता दें, प्रिंस फिलिप से महारानी एलिजाबेथ की शादी साल 1947 में हुई थी। दोनों की शादी को 73 साल हो चुके हैं। उन्होंने 2017 में सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया था। आपको बता दें, फिलिप यूनानी शाही परिवार के सदस्य थे। गौरतलब है कि नौसेना के पूर्व कमांडर प्रिंस फिलिप ने अपनी पूरी जिंदगी क्वीन के पति के तौर पर चैरिटी वर्क करते हुए गुजार दी। उनकी खेलों में भी काफी दिलचस्पी थी। प्रिंस फिलिप इसी साल 10 जून को अपना 100वां जन्मदिन मनाने वाले थे, लेकिन इसके कुछ महीने पहले ही उनका निधन हो गया। प्रिंस फिलिप के निधन के बाद पूरे ब्रिटेन में राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है और सभी बड़ी इमारतों से राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया गया है।